तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है वीकेएस न्यूज में। तो आज 15 अक्टूबर 2020 गुरुवार का दिन हो चुका है, तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की सभी ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों, ताकि कोई भी बड़ी खबर छूटने न पाए, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहे। तो अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, स्मार्ट टीवी खरीदे मात्रा 3232 रुपए में, आगे जानेंगे पूरी जानकारी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। तो आज की पहली बड़ी खबर है, रेलवे 392 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और छठ के लिए 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। किराया मेल एक्सप्रेस से 30% तक ज्यादा होगा। रेलवे ने आगामी दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और छठ के त्योहारी सीजन में यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। रेलवे ने 392/196 जोड़ी अतिरिक्त विशेष ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है। हालांकि ये ट्रेनें 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक के सीमित समय के लिए चलेंगी। रेलवे मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों की मांग पर 196 जोड़ी ट्रेनों को चलाने की मंजूरी दी है, जो लखनऊ, कोलकाता, पटना, वाराणसी जैसी जगहों से शुरू होंगी। इन ट्रेनों में रोजाना, हफ्ते में 4 बार, हफ्ते में 1 बार चलने वाली ट्रेनें शामिल होंगी। फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का ऐलान करते हुए रेलवे ने कहा कि चूंकि ये सभी ट्रेनें सुपर फास्ट ट्रेनें होंगी, इसलिए इनकी स्पीड कम से कम 55 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। वहीं इन ट्रेनों का किराया मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के मुकाबले 10% से 30% तक ज्यादा होगा, यानी अन्य स्पेशल ट्रेनों के बराबर रहेगा। अब तक 550 ट्रेनें चल रही हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है दोस्तों, कोरोना के खिलाफ अभियान। रायपुर में बिना मास्क लगाए घूमते मिले तो जब्त होगा वाहन। दुकानदार, खरीदार और पैदल चलने वालों पर भी कार्रवाई होगी। कोरोना संक्रमण के मामले कंट्रोल में हैं, इसके बाद भी रायपुर प्रशासन कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। मास्क नहीं लगाने वालों पर बुधवार से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चालकों के वाहन जब्त होंगे, वहीं मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। खरीदार, दुकानदार, पैदल, ठेला चालकों पर भी शिकंजा कसेगा। जिला प्रशासन और पुलिस उच्चाधिकारियों की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया है। कलेक्टर एस भारती दासन, डीआईजी अजय कुमार यादव और जिला पंचायत सीईओ की हुई संयुक्त बैठक में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। शहर में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पैदल यात्री हो, दो पहिया चालक हो, यात्री वाहन या चार पहिया चालक, बिना मास्क लगाए मिलने पर वाहन जब्त कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। व्यावसायिक वाहनों में चालक और यात्री बिना मास्क के मिले तो दोनों पर कार्रवाई होगी। प्रशासन के आदेश पर 14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक 7 दिनों तक लगातार नगर निगम क्षेत्र के 10 जोन में अभियान चलाया जाएगा। साथ ही आगे खबर है फ्रेंड्स, घर घर सर्वे की रिपोर्ट। 55 लाख घरों के 1.16 लाख लोगों में कोरोना जैसे लक्षण। 1.07 लाख की जाँच में 6571 ही पॉजिटिव। राजधानी और प्रदेश में सरकारी अमले ने 5 से 12 अक्टूबर तक एक हफ्ते में 55 लाख से ज्यादा घरों में दस्तक दी। हालांकि कई जगह सर्वे टीमों को लोगों ने सहयोग नहीं किया, फिर भी टीमों ने घरों से 1.16 ऐसे लोगों को ढूंढ निकाला जिनमें सर्दी, खांसी, बुखार, सांस में तकलीफ या कोरोना जैसे लक्षण थे। रैपिड टेस्ट में इनमें से 6571 लोग पॉजिटिव निकल गए। इसी तरह राजधानी रायपुर में 4,12,428 घरों से सरकारी अमले ने 3,297 लक्षण वाले वो 143 लोग हाई रिस्क वाले ढूंढ निकाले, जिनमें से 3,162 लोगों का एंटीजन और आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया गया। इसमें 288 लोग पॉजिटिव निकल गए। डॉक्टरों का मानना है कि यह पॉजिटिव आए लोगों की संख्या भले ही कम है, लेकिन इतने लोगों के पॉजिटिव निकलने से इनके कारण परिवारों में संक्रमण का फैलाव रुक गया। इसी बीच अगली बड़ी खबर है दोस्तों, घर बैठे देनी थी कॉलेज की परीक्षा, उसे भी छात्रों ने नहीं लिया गंभीरता से। किसी ने कॉपी कोरी छोड़ी तो किसी ने नहीं दिया सही जवाब। भिलाई, कोविड-19 की वजह से दुर्ग विवि की वार्षिक परीक्षा ओपन बुक पैटर्न में लेने के बावजूद भी छात्रों ने सही ढंग से प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। किसी ने कॉपी को कोरा छोड़ दिया तो किसी ने प्रश्नों के सटीक उत्तर नहीं लिखे। छात्रों ने परीक्षा को गंभीरता से नहीं लिया। घर बैठे उत्तर लिखने की सुविधा मिलने के बाद भी छात्रों ने इसमें बेहतर प्रदर्शन नहीं किया। यहां तक कि पीजी के छात्रों ने भी मात्र एक पेज का आंसर लिखकर ऐसी कई शिकायतें प्राचार्यों ने विवि की कुलपति डॉक्टर अरुणा पलटासे की। अधिकांश कॉलेजों के प्रोफेसर ने जब मूल्यांकन के लिए कॉपियां खोली तो पता चला कि छात्रों ने उत्तर के नाम पर 2 से 4 लाइन लिखकर खानापूर्ति कर दी। विवि के डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव ने बताया कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर दोनों ही परीक्षाओं में कई छात्रों ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, जबकि वे इसे गंभीरता से लेते तो अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते थे। बने रहिए दोस्तों, तो अगली बड़ी खबर है, निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को मिली है बड़ी राहत। राज्य में करीब 76,000 छोटे भूखंडों की क्रय विक्रय।
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में प्रदेश के हजारों निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर अब छोटे तबके के लोग जिनके जमीन के छोटे भूखंड हैं, वे अब इनकी खरीद बिक्री आसानी से कर पा रहे हैं। राज्य शासन ने जमीन के छोटे भूखंडों की खरीद बिक्री पर लगा प्रतिबंध हटाया गया था। फलस्वरूप प्रदेश के छोटे तबकों के जरूरतमंद 5 डिसमिल से छोटे भूखंडों का क्रय विक्रय संभव हो सका है। नतीजन अब तक करीब प्रदेश में 76,000 से ज्यादा छोटे भूखंडों की खरीद और बिक्री हो गई है। नेक्स्ट अपडेट है फ्रेंड्स, बलरामपुर दुष्कर्म पीड़ित बच्ची के घर पहुंचे मंत्री सिंहदेव, कहा बेटी की पढ़ाई का जिम्मा उठाएगी सरकार, पिता को जमीन का मिलेगा। बलरामपुर जिले के वार्फनगर मंत्री टीएस सिंहदेव और मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकॉम पहुंचे। दोनों ने यहां उस परिवार से मुलाकात की जिनकी नाबालिग बेटी 15 दिन पहले दुष्कर्म की घटना की शिकार हुई थी। मंत्री सिंहदेव ने बच्ची के पिता से कहा कि आपकी बेटी जितना पढ़ना चाहे उसकी पढ़ाई का पूरा जिम्मा सरकार उठाएगी, वो चाहे तो रायपुर आकर पढ़ाई कर सकती, वहां भी व्यवस्था सरकार करेगी, उसकी शादी का खर्च भी सरकार उठाएगी। इस मौके पर जिले के कलेक्टर और एसपी भी मौजूद थे। मंत्री सिंहदेव ने कलेक्टर से कहा कि बच्ची के पिता को 3 एकड़ जमीन का वन अधिकार अधिनियम के तहत दिया जाए। इस तरह सामने आया था मामला, लगभग 15 दिन पहले नाबालिग को नशीली गोलियां खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। किशोरी द्वारा चाइल्डलाइन को दिए बयान के आधार पर दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया। मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। साथ ही नेक्स्ट खबर है दोस्तों, स्मार्ट टीवी खरीदें मात्रा 3,232 रुपए में। अगर आप इंडियन ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स खरीदना चाह रहे हैं तो शानदार मौका है। फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है, ऐसे में सभी कंपनियां बम्पर ऑफर्स लेकर आ रही है। ई कॉमर्स साइट्स पर भी ग्राहकों के लिए डिस्काउंट की बहार है। 3,232 रुपए में खरीदें स्मार्ट टीवी। भारतीय टेलीविजन ब्रांड शिनको ने स्मार्ट टीवी पर खास ऑफर का ऐलान किया है। कंपनी अपने SO 328AS 32 मॉडल को अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में सिर्फ 3,232 रुपए में बेचेगी। कंपनी ने जारी किया बयान। कंपनी के बयान के मुताबिक अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिव सेल में आपको 32 इंच वाले स्मार्ट टीवी के लिए सिर्फ 3,232 रुपए खर्च करने होंगे। इस सेल का आयोजन 18 अक्टूबर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अगली बड़ी खबर है मरवाही उपचुनाव। अमित के अलावा पत्नी ऋचा जोगी के लिए भी खरीदा गया नामांकन पत्र। जनता कांग्रेस में असमंजस की स्थिति। मरवाही उपचुनाव में नए ट्विस्ट की खबर है। अब तक इस सीट से दावेदार माने जा रहे अमित जोगी के चुनाव लड़ने पर संशय के बादल छा रहे हैं। बुधवार को जब पार्टी की तरफ से नामांकन पत्र खरीदे गए तो एक पर्चा ऋचा जोगी के नाम पर भी लिया गया। ऋचा अमित की पत्नी है। पार्टी सूत्रों की माने तो अमित जोगी की जगह वे चुनाव लड़ सकती हैं। दरअसल जाति प्रमाण पत्र को लेकर गहराए विवाद के बीच इस बात की आशंका खुद अमित जोगी जता चुके हैं कि उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। ऐसी स्थिति में ऋचा जोगी जनता कांग्रेस पार्टी का चेहरा होंगी। 16 को नामांकन भरने का दावा। तो अगली बड़ी खबर है फ्रेंड्स, हाई प्रोफाइल पार्टियों में रईस जादो को कोकीन सप्लाई करने वाली भिलाई की ड्रग पैडलर निकिता गिरफ्तार। इवेंट के बहाने नशे का कारोबार। भिलाई कोकीन के सौदागरों के गिरोह में शामिल भिलाई की निकिता पंचाल को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर निकिता पिछले 2 साल से इस कारोबार में लिप्त थी। पुलिस के मुताबिक यह युवती पार्टियों का आयोजन करके युवकों को नशे की लत लगाती थी। लत लगने के बाद निकिता युवकों को कोकीन सप्लाई करती थी। आरोपी की लिस्ट में रायपुर, भिलाई के कई रईस जादों और कारोबारियों के नाम पुलिस को मिले हैं। पुलिस इन सभी नंबरों की जांच कर रही है। केस की जांच करने वाले अफसरों की माने तो मामले में अभी और गिरफ्तारियां होंगी। इंदौर के प्रतिष्ठित परिवार से युवती। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस के हत्थे चढ़ी कोकीन गर्ल इंदौर के प्रतिष्ठित परिवार से हैं। भिलाई के रिसाली में घर है। 2014 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान वह आरोपी आशीष के संपर्क में आई थी। साथ ही अगली बड़ी खबर है दीपावली के पहले विधानसभा का विशेष सत्र। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने दी जानकारी। रायपुर छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने नए कृषि कानून बनाने का ऐलान किया है। इसे लेकर विधानसभा में विशेष सत्र बुलाए जाने की जानकारी मंत्री रविन्द्र चौबे ने दी है। मंत्री ने जानकारी दी है कि दीपावली से पहले विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। यह विशेष सत्र नए कृषि कानून बनाए जाने को लेकर रहेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी सरकार के कृषि कानून का खुलकर विरोध किया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान सीएम ने प्रदेशवासियों के लिए नए कृषि कानून बनाने का ऐलान किया था। वहीं अब इसे लेकर दीपावली से पहले विधानसभा की बुलाए जाने की जानकारी मंत्री ने मीडिया को दी। नेक्स्ट बड़ी खबर है दोस्तों, बलरामपुर में 15 दिन में 6 रेप। नौकरी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म। केस दर्ज करने के लिए 5 दिन चक्कर लगवाती रही पुलिस। मुख्यमंत्री ने थाना प्रभारी और SDOP को सस्पेंड किया।
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में पिछले 15 दिनों में रेप के 6 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 4 वारदातें रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र में ही हुई हैं। इसमें 2 गैंगरेप हैं। अब महिला को नौकरी का झांसा देकर उससे दुष्कर्म का मामला आया है। वहीं लापरवाही सामने आने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को रघुनाथ नगर थाना प्रभारी और वार्फनगर चौकी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है। जानकारी के मुताबिक रघुनाथ नगर क्षेत्र की 30 साल की महिला परिवार के साथ गांव में रहती है। उसका पति खेती किसानी करता है। महिला का कहना है कि उसे नौकरी की जरूरत थी। इसको लेकर उसने कई लोगों से बात भी की थी। 8 अक्टूबर को वह घर में अकेली थी। इसी दौरान गांव का ही एक युवक पहुंचा और उसे नौकरी लगवाने की बात कहकर अंबिकापुर ले गया। FIR दर्ज करने महिला को लगवाते रहे चक्कर। आरोप है कि वहां लॉज में ले जाकर दुष्कर्म किया और एक रिश्तेदार के घर छोड़कर भाग निकला। वही आगे खबर है बिग ब्रेकिंग IAS सोनमणि वोरा हटाए गए राज्यपाल के सचिव पद से, 3 IAS के बदले प्रभार। राज्य सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक सर्जरी करते हुए नया आदेश जारी किया है। IAS सोनमणि वोरा को उनके वर्तमान पदभार के साथ राज्यपाल के सचिव पद से मुक्त करने का आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही IAS अमृत कुमार खलखो को सचिव कृषि विभाग के पद पर पदस्थ किया गया है और उन्हें राज्यपाल का सचिव का प्रभार भी दिया गया है। इसी तरह IAS KD कुंजाम को संयुक्त सचिव राजभवन सचिवालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।